की जो पर्सनल लॉज हैं हिंदू पर्सनल लॉ मुस्लिम पर्सनल लॉ अगर वो इम्पैक्ट होगा वो पूरा हिल जाएगा तो छोड़िए उनको छोड़िए लेट गे पीपुल गेट मैरिड दी एल जी बी टी एल जी बी टी क्यू प्लस कम्युनिटी गेट मैरिड अंडर द स्पेशल मैरिजेज एक्ट तब तो आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं है कल आप मुझे बोल रहे थे कि पूरे संत समाज को जितने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सबको बहुत आपत्ति है इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई कर रही है अगर आज मुकुल रोहत की बोल रहे हैं छोड़िए पर्सनल लॉज हिंदू पर्सनल लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं पर्सनल लॉ को नहीं छेड़ते स्पेशल किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए नहीं देखिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम सभी आदर करते हैं और हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर न्यायपालिका एक बहुत बड़ा स्तंभ है लेकिन मैं साथ ही साथ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मामला केवल इतना सा नहीं है कि दो लोगों की खुशी के लिए मूल भारत की सभ्यता भारत की संस्कृति यहाँ का सामाजिक ताना बाना यहाँ की हमारी वैवाहिक पारिवारिक सुदृढ़ संस्था का स्वरूप और खासकर जैसा अभी और विद्वानों ने भी कहा कि जो बच्चे अडॉप्ट करेंगे और वो उस तरह से कुछ लोगों की खुशी के लिए बहुत बड़े तबके को मानसिक त्रासदी की और धकेलना उनको दाव पे लगाना मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहूंगा सर्वधर्म की ओर से कि हमारे लोकतंत्र में सबको अपने ढंग से जीने का अधिकार है संविधान अधिकार देता है हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उसको वैवाहिक जो है दर्जा प्रदान करना ये सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन करेगा हमारी सभ्यता संस्कृति के साथ ये खिलवाड़ होगी छेड़छाड़ होगी और ऐसे के अंदर जो एडॉप्ट किए जाने वाले बच्चे जिस त्रासदी से गुजरेंगे उनके उनको जो है बहुत बड़ा तनाव और अनेक प्रकार त्रास्टी, की त्रास्टी ऐसी साइकोसोमेटिक डिजीज की और मुनी जी मुनी जी सुन लीजिए जी नहीं डिजीज नहीं है सबसे पहले तो डिजीज नहीं है होमोसेक्सुअल होना ये 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 हम सबको पता होना चाहिए कि ये डिजीज नहीं है नहीं मैंने जी बार-बार मैंने ये बात जता रहे हैं नहीं नहीं, हाँ। मैं, नहीं, नहीं, नहीं मैंने होमोसेक्सुअल को डिजीज नहीं कहा है मैं स्पष्ट करूं मैंने होमोसेक्सुअल को डिजीज नहीं कहा है कदापि नहीं कहा है मैं तो ये कह रहा हूं कि सभी को अपने ढंग से जीने का अधिकार है लेकिन उसको वैवाहिक दर्जा देकर के उस संबंधों को सामाजिक रूप देना जो है हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति हमारे यहाँ के रीति रिवाज हमारे यहाँ का कल्चर हमारी पारिवारिक संस्था उस सब के साथ जो है, बहुत बड़े अनेका, अनेक प्रश्न खड़े होंगे और उन्हें करने वाले बच्चों को जिस त्रासदी से गुजरना होगा उनको जिन प्रश्नों को झेलना होगा उन सब पर सर्वांगीण चिंतन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को केवल कुछ लोगों की इच्छा मैंने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया कि संविधान सबको अपने ढंग से जीने का दर्जा देता है, तो है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, है। लेकिन और है। दूसरे में भारत देखिए हर देश की हर देश की नहीं सुनिए आप आपने सबको लंबा हाँ। लंबा समय दिया है ना? हाँ। हर देश की अपनी सभ्यता है हर देश की अपनी संस्कृति है, हर देश का अपना कल्चर है। भारत का अपना कल्चर है भारत को भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए और भारत केवल शहरों में ही नहीं बसता है भारत हाँ। की बहुत बड़ी आबादी गांवों में बसती है हाँ। आपको सर्वांगीण चिंतन किए बिना केवल प्रगतिशीलता प्रगतिशील अरे ये प्रगतिशीलता नहीं है ये विकृति है और मैं फिर सर्वधर्म हाँ। की ओर से अपील करना चाहता हूं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को बड़े आदर के साथ सर्वांगीण इस पर चिंतन किया जाए और उसे वैवाहिक दर्जा न दिया जाए ये हाँ। मैं बलपूर्वक सर्वधर्म की ओर से अपील कर रहा हूं